गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम लोग अभी है सेंटर के बाहर और जस्ट निकले हैं मेंस देकर, और ये बंदा आप पहचान गए होंगे डीवी वाली वीडियो से। हेलो, इसी के साथ मेरा वीडियो वायरल हुआ था जो आप लोग सब देखे थे 2021 डीवी वाला। तो आज अविनाश डिटेल रिव्यू देंगे, कैसा लगा मेंस देकर आपको? अच्छा, इजी पेपर था। इजी था, बट लोग तो पूरा कंप्यूटर को लेकर बोल रहे हैं। हाँ, कंप्यूटर, नो डाउट कंप्यूटर जैसा सब कुछ बोल रहे वैसा ही था। कंप्यूटर में एक्चुअली 10 सवाल ऐसे थे जो किया जा सकते, मतलब उसके बाद फिर बहुत डीप नॉलेज चाहिए कंप्यूटर के लिए, लेकिन 10 इनफ है। मतलब अविनाश के लिए पेपर ओवरऑल इजी था। मैथ्स और भाई सबको किधर गया यार, सब पीछे क्यों छूट गया? मैथ्स कैसा लगा? मैथ्स तो यार लेवल गिरा दिया। मैथ्स देख कर ना सच बोले बहुत बुरा लगा यार, बहुत ज़्यादा ख़राब। ऐसा मैथ्स देख कर हमको मन दुखी हो गया। इतना घटिया मैथ्स SSC क्यों? इससे पहले पिछला वाला मेंस का ही चिपका देता डेटा चेंज करके, तो भी लोग नहीं बना पाते। इतना इजी मैथ्स ना, मतलब वर्थलेस सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और अब आपको मिलवाते एक बहुत स्पेशल गेस्ट, इधर है इधर है। तो आज हमारे साथ हमारे एक बहुत प्रिय स्टूडेंट भी आए हुए हैं, चंदन। तो चंदन रिव्यू देंगे, ठीक है? इनका पहला मेंस आज। चंदन बताइए कैसा लगा पेपर पूरा ओवरऑल? अच्छा है सर, मैथ्स रीजनिंग ओवरऑल तो मेरा पेपर मॉडरेट था। पेपर मॉडरेट था, मैथ में उतना दम नहीं था। मैथ्स एकदम बेकार ना, कैसा लगा? मतलब SSC वाले लोग पता है मैथ्स बनाने में अविनाश मेहनत ही नहीं कर रहा है ना? मैथ्स बिल्कुल नहीं। कैसा मैथ पूछा बताइए? 45% डिस्काउंट देने पर 330 में बेचते हैं, 600 का MP। वाह, देखते ही हमको 2 सेकंड लगा मारने में, इतना अच्छा मैथ। बहुत आसान मैथ, 4-3-4 y is divisible by 7। What the hell was this? मैथ का क्वेश्चन इतना फालतू था ना, हम आपको कह भी नहीं सकते। एक्सेप्ट सिर्फ एक क्वेश्चन अच्छा था ना चंदन, प्रोबेबिलिटी वाला एक। बट यार एक तो उतना चलता है, 29 तो आसान था ना चंदन। रीजनिंग ठीक था। चंदन का पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस देने आए हैं, और हम लोग दोनों साथ में आज। और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं हमारे, लेकिन अभी हम लोग दुर्गापुर वाले सेंटर में, यहाँ पे सिर्फ चंदन और मेरा था, बाकी स्टूडेंट्स का आसनसोल में पड़ा था। तो रीजनिंग अभी ना, रीजनिंग कैसा लगा? रीजनिंग यार बेटर था मैथ हमको, से बेटर था। हमको पर्सनली रीजनिंग बहुत सही लगा, मतलब रीजनिंग का लेवल था, और रीजनिंग का लेवल अप हो गया है। रीजनिंग का लेवल सबको ही बोल रहे हैं कि अप हो गया है, ठीक है? और रीजनिंग सबको हार्ड लगा, जितना लोग से मेरा बात हुआ ना थोड़ा बेटर है। जैसे पहले SSC वाला आता था नॉर्मली देखते ही बन जाता था, वैसा नहीं है रीजनिंग, थोड़ा लेंदी है। और इंग्लिश, इंग्लिश इजी था। पैराजंबल वाज मतलब बेस्ट था। पैराजंबल डिफिकल्ट सॉर्ट ना, डिफिकल्ट मॉडरेट भी नहीं उसको बोलेंगे। पैराजंबल लगता है 7 PQRS हो गए, 7-6 से 7 PQRS हम किए, 6 से 7 था PQRS उसको पहले। और पैसेजेस लंबा लंबा था, बट ईजी था पैसेजेस, ईजी कोई ये नहीं पूछा था, कोई टोन नहीं पूछा था पैसेजेस का। पेपर का हमें पता है क्या है, मतलब मेंस देकर लगा नहीं है मेंस में, बट फिर भी मेंस था। बनाया बनावट ऐसा था ना पेपर का कि कुछ सेक्शंस इतना इजी कि मतलब एकदम फालतू, और कुछ सेक्शंस बहुत डिफिकल्ट। हाँ, थोड़ा रिव्यू ले इन लोग से। ओके, तो हमारे साथ एक हर्ष भाई भी है जो पहले भी मिल चुके हैं 2021 के DV में ना। हाँ, कैसा गया पेपर ओवरऑल? पेपर ठीक रहा, थोड़ा सा रीजनिंग का लगा, मैथ्स तो बहुत इजी था, बोलना है लाइक मैथ्स पता है हमको, लग रहा है SSC ना सोते भी पेपर बना एकदम सही बात। कैसा कैसा क्वेश्चन बोलिए आप, 45% डिस्काउंट क्या ये सब, मतलब 72 किलोमीटर का अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो मतलब मैथ्स का लगता है प्रिपरेशन ही नहीं करना चाहिए अगर ट्रेंड बंदा है तो। ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट, मैथ्स मतलब आप अगर एफर्ट दे रहे हो ना, जैसे बहुत लोग टफ टफ क्वेश्चंस करते हैं, क्या करना चाहेंगे आप, कैट वेट का सॉल्व करते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहिए यार भाई। ग्रुप डी का MTS का पेपर लगा लो, इनफ है, बी भाई मोर देन इनफ। मतलब वो जो करवाते हैं ना बहुत सारे टिपिकल सारे सॉल्व करवाते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस लंबे 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 यार, पता है एक एक लाइन का सवाल। अच्छा चलो, मैथ्स का तो भाई बता दिया, रीजनिंग का तो थोड़ा सा हमको लगा हल्का, मेरे को भी लगा रीजनिंग वाज ऑन अ गुड साइड, मतलब 30 करने में ना दिक्कत आ रही थी, आ रहा है सब, कोई भी ऐसा मेरे को नहीं मिला जो 30 अभी तक किया है। थोड़ा स्टेटमेंट अजम्पशंस थोड़ा अच्छा था, इनइक्वालिटी न्यू टॉपिक, 1 question, और कुछ याद आ रहा है? और एक नया था आई थिंक, वो वाला था। अच्छा, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट और वो सब पूछ रहे थे, तो उसमें वो पूछ रहे थे कि दो डाटा सफिशिएंट है कि नहीं है, वो दो क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करके मतलब बनाया जा सकता है कि नहीं, मतलब रीजनिंग गुड साइड। रीजनिंग हां, इंग्लिश इंग्लिश हां ठीक था, इंग्लिश भी ठीक था, बढ़िया था। जीके जीके तो बोलने लायक ऊपर से थोड़ा,
बट ठीक है, मतलब गुड था मैथ और इंग्लिश ठीक था, मतलब बनाने लायक था, और रेस्ट रहा तो जीके का प्रॉब्लम था थोड़ा। मतलब देखो मैथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा था। मैथ्स मैथ्स जितने लोग पढ़ते हैं ना मैथ्स सब भूल जाओ, मैथ्स में सिलेक्शन अब नहीं होने वाला, मैथ्स में सिलेक्शन सब मैथ्स कर लेंगे। इसलिए सब आइए और भाई लोग से पूछते हैं, आप लोगों को पेपर दिए ना? जी हां, कैसा गया पेपर? थोड़ा रिव्यू देंगे ओवरऑल। बहुत ही घटिया भाई यार, आप इससे पहले कभी मेंस दिए हो क्या? मेंस जो दिए हैं ना, जैसे हम लोग दिए हैं, क्वेश्चन देखा हूं, मेंस का क्वेश्चन बहुत ही उससे मतलब 1% डिफिकल्टी लेवल ऑफ मैथ्स, एमटीएस का लेवल जो होता है ना उससे भी डाउनग्रेड डाउन चला गया। अब देखो 7 ग्रेड वो जो पूछा और 45% डिस्काउंट इन ऑल, वो सब तो एक एक सेकंड में ही देखते हुए आ रहा था, इतना घटिया मैथ्स। मैथ्स आप किसी से भी पूछ लो ना यहाँ पे, सब लोग और जो लोग एक्स्ट्रा मैथ्स इतना एफर्ट देते हैं, मैथ्स के दम पर सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, सब मैथ्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन इतना धीरे आ रहा है, डिपेंड कर रहा है आपका जीएस पे। जीएस अगर जीएस मार सकते हो देन वही आप कर रहे हो। और कंप्यूटर, कंप्यूटर पे क्या कहना चाहेंगे? मॉडरेट बोल सकते हो, सब कोई बोल रहा है मॉडरेट, थोड़ा थोड़ा एकदम दूर तक नहीं देख पाएगा। डीप नॉलेजिंग में क्वेश्चन कुछ कुछ है, इजी था, जैसे कंट्रोल ही पूछे थे, सेंट्रल लाइन, ईमेल में ट्रैप वाला, तो तीन चार इजी, लेकिन सिर्फ तीन चार, बाकी सब हार्ड, एब्सोल्युटली बाकी सब हार्ड लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स। और जीएस में हमको एक गुस्सा आया, हम कम से कम 1000 करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े थे क्या? आया कितना? जीरो, एक भी करंट अफेयर्स नहीं। तो जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स आया नहीं इस बार, नहीं आया, हो सकता है अगले बार आए, लेकिन आज वाले आज के जरूरी है, तो करंट अफेयर एकदम नहीं था, स्टैटिक ही था, जो था करंट ऑफ का टॉपिक से तो था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, कि कौन सा है वो बहुत डीप हो गया, कुछ ज्यादा ही डीप हो गया, तो मजा नहीं था। कंप्यूटर का लेवल मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा बस, बाकी मैथ्स तो इजी, मेन आप जो बोले ना वही कि आप जीएस अगर नहीं पढ़ोगे भाई तो रैंक भूल जाओ। सबका कटा वही आएगा, जैसे मेरा हम 20 में सिलेक्टेड है, लेकिन मैं जीएस में 7 मार्क्स था, ओनली 7, लेकिन लेकिन मैथ्स में 187.5 था, 20 प्लस मीटर का बात करें उस पर सिलेक्शन तो हो गया, बट अब ऐसा नहीं हो सकता, अब आपको सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स ऐड नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। चलिए एक और भाई, ये भी नियामतपुर के ही हैं, हमारे होम टाउन मतलब जहाँ हम रहते हैं वहीं रहते हैं भाई, बताइए पेपर कैसा लगा आपको? पेपर तो इजी टू मॉडरेट था, पूरा स्टार्टिंग से बताइए मैथ्स। अच्छा, मैथ्स इजी था, बहुत बेकार भाई यार जितना मेहनत किए सब बर्बाद। रीजनिंग मॉडरेट बोल सकते हैं, रीजनिंग थोड़ा टफ, थोड़ा सा मतलब लेंथी थोड़े मॉडरेट, हां मतलब जैसे पहले आता था हलवा वाला रीजनिंग डायरेक्ट वाला, और इंग्लिश तो करने लायक था PYQ सारा वो कैप्स, A to Z ओनली PYQ, और पैसेजेस भी एकदम इजी डायरेक्ट आ रहा था, डायरेक्ट जीके तो जीके का तो कुछ नहीं कह सकते, मेरा तो डामाडोल एकदम जीके जीएस, इतना जितना भी पढ़ लो वो मिलेगा ही नहीं। कंप्यूटर सेम विद कंप्यूटर, बहुत पढ़े थे कुछ नहीं मिला, मतलब दो चार क्वेश्चन ठीक था बट रेस्ट तो। चलते फिर टाइपिंग में, तो अब हम लोग टाइपिंग का टाइम हो गया है, तो ओवरऑल हम आपको सभी स्टूडेंट्स का रिव्यू बताते हैं शॉर्ट में कि सभी लोग क्या बोल रहे हैं। मैथ्स वाज वेरी 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 इजी है ना चंदन? आइए, मैथ्स वाज वेरी 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 इजी, रीजनिंग वाज मॉडरेट, और भाई थोड़ा रिव्यू दे दीजिए, और एक भाई है हमारे, बताइए पेपर कैसा था, कैसा लगा? उल्टा बताइए आप, सब लोग सीधा बताए, आप उल्टा बताइए कहाँ से, मतलब कंप्यूटर से? वेरी नाइस, कंप्यूटर ही तो थोड़ा चैलेंजिंग इसीलिए तो हम आपको पकड़े और बाकी सब जीके थोड़ा चैलेंजिंग था, जीके चैलेंजिंग था, जीके तो हमेशा चैलेंजिंग रहता है, बाकी तीन सेक्शन तो। मैथ्स कैसा लगा आपको? मैथ्स तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली यही मेरी बात है कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो ये इतना इजी करने तो सबको ही कर लेगा ना, फिर कॉम्पिटिशन कहाँ रहा मैथ्स में, सबको ही किए हैं मैथ्स, पता है जो भी बंदे से पूछ रहे ना सब बोल रहे मैथ्स इजी, मैथ्स इजी, मैथ्स।